हेलो, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। 2 दिसंबर 2019 की प्रीलिम्स अपडेटर सीरीज में आपका स्वागत है। चलते हैं आज की हमारी न्यूज़ की तरफ। पहली जो न्यूज़ आई है आज, वो आई है गदर पार्टी के बारे में। कंटेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हम गदर पार्टी के बारे में कुछ फैक्ट हैं वो यहाँ पर जानेंगे। देखो, गदर जो पार्टी है वो बनाई कब गई थी? ये बनाई गई थी 1913 में। किसके द्वारा बनाई गई थी वो इम्पोर्टेंट है। ये बनाई गई थी सोहन सिंह बांका के द्वारा। कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर था? ये देखो, जो गदर पार्टी थी वो इंडिया में नहीं बनाई गई थी, ये बनाई गई थी यूएसए में। यूएसए में आपने कैलिफोर्निया का नाम सुना होगा, वहाँ पे इसकी स्थापना है गदर पार्टी की, वो की गई थी। तो और गदर पार्टी है वो इंडियन जो रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन थे, क्रांतिकारी ऑर्गेनाइजेशन, उसमें एक अहम इंपॉर्टेंट पार्ट थी। और आपको पता है कि इसमें इसके जो फाउंडर थे वो इंडियंस ही थे। इंपॉर्टेंट चीज़ एक क्या है कि ये जो पार्टी है इसमें मल्टी एथनिक ग्रुप्स हैं, जैसे कि सिख भी थे, हिंदू भी थे, मुस्लिम लीडर्स भी इसमें शामिल थे। हेडक्वार्टर जैसे आपको बताऊं कि यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में इसका हेडक्वार्टर है वो। तो ये कुछ फैक्ट आपको यूपीएससी पूछ सकती है। एक यहाँ पे कई बार इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी पूछ लिया जाता है कि क्वेश्चन में, कि आपको ये पूछ लिया जाए कि गदर पार्टी के जो फाउंडर्स थे उनमें कौन कौन था, कौन कौन नहीं था। तो ये ध्यान रखना, एक तो थे सोहन सिंह बाकना, और एक थे हरदयाल सिंह। तो हरदयाल सिंह के बारे में ज़्यादातर यूपीएससी कई बार पूछी हुई है पहले भी। तो हरदयाल सिंह थे वो इसके फाउंडर थे, सोहन सिंह थे वो इसके फाउंडर थे। इसके बाद में अगर और हम बात करें तो बाबा ज्वाला सिंह थे, इसका इनका नाम आप ध्यान रखना। इसी के साथ ही संत जो बाबा थे यहाँ पे वसक्का सिंह, इनका दो तीन का नाम आपको एग्जाम के लिए ध्यान रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है चागोस आइलैंड्स या चागोस आर्किपेलागो के बारे में। देखो, चागोस आर्किपेलागो है क्या, कहाँ पे स्थित है, पहले हम मैप में लोकेशन कवर करते हैं। ये देखो इंडियन ओशियन है, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो मालदीव की लोकेशन आती है लगभग यहाँ पे, और ये यहाँ पे आपको बताई है कि मेडागास्कर है, यहाँ पे अफ्रीका आ जाता है। और यहाँ पे आपको दिखेगा ये है यहाँ पे चागोस आर्किपेलागो। आर्किपेलागो का मतलब क्या होता है कि छोटे छोटे आइलैंड्स की ऐसे श्रृंखला है, ग्रुप, उसको बोलते हैं आर्किपेलागो। जैसे आप यहाँ देख सकते हो कि चागोस आर्किपेलागो में क्या है कि छोटे छोटे लगभग काफ़ी सारे मतलब आइलैंड है, आई थिंक 50-60 के समथिंग। तो ऐसे आइलैंड मिलकर उन्होंने एक श्रृंखला बना रखी है, उसको आर्किपेलागो नाम से जानते हैं। देखो, इसमें काफ़ी सारे आइलैंड्स हैं चागोस आर्किपेलागो या चागोस आइलैंड ग्रुप में। एक तो यहाँ पे ही है, आपको देखोगे ये डियोग्रासिक का है। इसके बाद में यहाँ पे एक है वो है पेरोस बर्नोस है। इसके बाद में एक यहाँ पे सोलोमोन आइलैंड है। इसी के साथ ही यहाँ पे इजमोंड आइलैंड है। तो इसमें देखो न्यूज़ में कौन कौन से रहते हैं, एक तो यहाँ पे ये डेगो गार्सिया है, ये न्यूज़ में रहता है। इसी के साथ ही सोलोमोन आइलैंड है, ये भी काफ़ी बार न्यूज़ में आपको देखने में मिलेंगे। तो मेनली ये है या कि जो मेजर आइलैंड्स हैं इसमें आर्किपेलागो में वो यही हैं। तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि इनकी लोकेशन कहाँ पर है। अब यूपीएससी कई बार के हैं आपको यहाँ पे नॉर्थ टू साउथ रेंज करवा लेती है या फिर ईस्ट टू वेस्ट रेंज करवा लेती हैं, तो इनमें पता होना चाहिए। जैसे कई बार रेंज आपसे ये करवा लेगी कि नॉर्थ टू साउथ रेंज करना है, एक साइड आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा कि अंडमान एंड निकोबार हैं, फिर आपको ऑप्शन दे दिया लक्षद्वीप दे दिया, बाद में आपको दे दिया यहाँ पे जैसे कि चागोस आर्किपेलागो। तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे ऊपर है वो अंडमान वाला हिस्सा है, फिर लक्षद्वीप है, कौन सा कहाँ पे है, या चागोस आर्किपेलागो है उसकी लोकेशन कहाँ पे है। मतलब इनकी लोकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, और स्पेशली देखो इसलिए क्योंकि इंडियन ओशियन है वो इंडिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इंडियन ओशियन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं और कौन से को लेकर डिस्प्यूट वगैरह रहते हैं, ये कई चीज़ें यूपीएससी पूछ लेती हैं। तो चागोस आर्किपेलागो न्यूज़ में इसलिए रहते हैं कि देखो, वैसे तो जो टेरिटरी है ये चागोस आर्किपेलागो की, ये आती है मॉरिशस के अंडर, बट इसको आपको पता कि मॉरिशस था वो पहले यूकेन की ब्रिटेन की कॉलोनी है वो था। तो इसको लेकर डिस्प्यूट है, वो रहता है कि भाई कौन सा है वगैरह वगैरह। तो अभी कुछ टाइम पहले जो आईसीज है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, उसने अभी मतलब लगभग आई थिंक 5-6 महीने पहले कुछ गाइडलाइन दी थी कि भाई जो चागोस आर्किपेलागो है ना, ये है तो मॉरिशस का, तो यूके को कहा कि आप इसको छोड़ दो क्योंकि यूके ने इस पर कब्जा है वो कर रखा है इलीगल तरीके से। और इसका एक आइलैंड है यहाँ पे, ये रहा आपको दिख रहा होगा जैसा मैंने आपको बताया डिगो गार्सिया। तो ये जो आइलैंड है ना वो यूके ने क्या कर रखा है, यूएसए को दे रखा है लीज के ऊपर। तो इसको लेके भी कॉन्फ्लिक्ट रहता है क्योंकि यूएसए के यहाँ पे इम्पोर्टेड एक नेवल बेस है वो बनाया गया है। तो ये कुछ बेसिक फिनोमेना है, बेसिक जो फैक्ट हैं वो यहाँ पे आपको क्लियर रहना इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि स्माल आर्किपेलागो है इंडियन ओशियन में है, कहाँ क्या मतलब टेरिटरी किस में आती है, वैसे आती है मॉरिशस के आइलैंड है, बट इनको इलीगल तरीके से यूके ने कैप्चर कर रखा है और यूके में भी राज है वो करता है। एक इसका जो आइलैंड था वो था डिगो गार्सिया, तो वो यूएसए का जो इम्पोर्टेंट मिलिट्री बेस है वो भी है इंडियन ओशियन में।
इसी के साथ कुछ और फैक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, है नहीं, इसे दिया गया है कि 2016 में जो ज्यूरिडिक्शन थी ब्रिटेन ने, वो डिगो गार्सिया को लेके 2036 तक मतलब यूएसए को दे दिया वगैरह वगैरह। तो ऐसे कुछ फैक्ट यूपीएससी ज़्यादा नहीं पूछ सकी। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है नाटो के बारे में, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। देखो नाटो है वो एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है, पहली चीज़ ये कि मिलिट्री अलायंस है इंटर गवर्नमेंटल, मतलब काफ़ी कंट्रीज इसमें शामिल हैं। मेनली अगर हम बात करें तो यूरोपियन यूनियन की जो कंट्रीज़ हैं वो इसमें ज़्यादातर शामिल हैं, प्लस यूएसए भी इसमें मोटे मोटे तौर पर शामिल हैं। ये ध्यान रखना नाटो का इंडिया मेंबर नहीं है, ये चीज़ क्लियर रखना कि नाटो का इंडिया कोई मेंबर है वो नहीं है। बनाया कब गया था? ये बनाया गया था वाशिंगटन ट्रीटी के तहत। देखो एक वाशिंगटन ट्रीटी और एक है वाशिंगटन कन्वेंशन, दोनों अलग अलग हैं। वाशिंगटन कन्वेंशन है वो तो है साइट्स के लेके, जो इंडेंजर्ड स्पीसीज है ना इनके ट्रेड वगैरह को लेके हैं, तो वाशिंगटन कन्वेंशन अलग है और वाशिंगटन ट्रीटी है वो है नाटो से रिलेटेड। 1949 में इसको बनाया गया था, जब आपको पता है कि यूएसए और यूएसएसआर के बीच में मतलब जो कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था उस दौरान नाटो की स्थापना है वो यूएसए ने की थी। हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसका बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें तो देखो डिफेंस एरिया या मिलिट्री एरिया में मैनली कोऑपरेशन और पॉलिटिकल कोऑपरेशन की बात इसमें की जाती है कि अगर एक कंट्री जैसे जो भी नाटो के ग्रुप मेंबर हैं किसी एक पे अगर अटैक होता है तो बाकी कंट्रीज उसका सपोर्ट करेंगी और उसके अगेंस्ट कार्रवाई है वो की जाएगी। मेनली जो ऑब्जेक्टिव हैं वो दो टाइप के हैं, मैंने आपको बताया था कि पॉलिटिकली और मिलिट्री। पॉलिटिकली की बात ऐसी है कि जो डेमोक्रेटिक वैल्यू हैं उनको स्प्रेड करना है, आपस में कोऑपरेशन है, डिफेंस एरिया में सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज हैं इनको सोल्व है वो किया जाएगा और ट्रस्ट को बिल्डअप है वो किया जाएगा। और मेनली जो नाटो का निर्माण किया गया था वो किया गया था यूएसएसआर को काउंटर करने के लिए। इसके बाद में बात आते हैं मिलिट्री सपोर्ट या मिलिट्री कोऑपरेशन। तो देखो पीसफुल एरिया में जो डिस्प्यूट वगैरह है उनको सेटलमेंट करना हो या फिर डिप्लोमेटिक एफर्ट काम नहीं कर रहे हो वहाँ पे मिलिट्री की हेल्प से लेके शांति स्थापित करनी हो, ऐसे कार्यों में नाटो का यूज है वो किया जाता है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वो है कोल्ड वेव रीजन्स के बारे में। देखो न्यूज़ ये है कंटेक्स्ट में कि भी इंडिया के अंदर जो कोल्ड वेव रीजन्स है ना उसको लेके जो इंडिया का मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है ना उसने ये कहा है कि इन एरियों में मतलब जो सर्दी वाले जिले सॉरी सर्दी वाले जो राज्य हैं इंडिया में वहाँ पे इस बार सर्दियाँ कुछ ज़्यादा नहीं पड़ने वाली है। आप ये बोल सकते हो कि वहाँ पे जो विंटर है वो थोड़ा गर्म रहेगा। तो बस ये ध्यान रखना चाहिए कि कोल्ड रीजन में कौन कौन से स्टेट हैं वो आते हैं, जैसे कि पंजाब आता है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और गुजरात, मध्य प्रदेश और बिहार, ये स्टेट हैं वो कोल्ड वेव रीजन्स में आते हैं। तो ये एक बेसिक ज़्यादा अगर यूपीएससी पूछे तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछे कि ज्यादा इंपॉर्टेंट करियर आर्टिकल नहीं है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल वो है यहाँ पे मंगूस के बारे में। मंगूस है क्या? एक बड़ा फोटो यहाँ पे देख लो आप समझ जाओगे, नेवले टाइप का ये आप देख रहे हो। देखो मंगूस न्यूज में अभी है क्यों? क्योंकि जो इसके शरीर पे जो बाल होते हैं ना इनका यूज है वो पेंट ब्रूस बनाने में किया जाता है और इनकी काफी ज्यादा डिमांड है वो रहती है। तो इलीगल तरीके से मंगूस की हत्या है, आप बोल सकते हो कि इनको मार दिया जाता है। तो अभी उन्हीं को रोकने के लिए एक अभियान चलाया गया था, उसके सक्सेसफुल होने के या उसको सपोर्ट करने की बात गवर्नमेंट कर रही है। ऑपरेशन था जिसका नाम है ऑपरेशन क्लीन आर्ट। क्लीन आर्ट का क्या मतलब है यहाँ पे? देखो जैसा मैंने आपको बताया कि मंगूस के जो बाल हैं इनसे पेंट के ब्रश बनाए जाते हैं और उनसे पेंटिंग की जाती है। अभी ऑपरेशन क्लीन आर्ट इसलिए चलाया गया है कि भाई जो भी आप ब्रश यूज कर रहे हो ना मंगूस के बालों का, उन बालों का आप यूज़ मत कीजिए, आर्टिफिशियल जो ब्रश आते हैं आज के टाइम पे मार्केट में उनका यूज़ कीजिए ताकि आर्ट है वो क्लीन हो, किसी जानवर वगैरह की या एनिमल की हत्या नहीं होनी चाहिए। तो ये इसलिए चला गया है ऑपरेशन क्लीन आर्ट ताकि मंगूस की हत्या ना की जाए और जो पेंट ब्रश यूज किए जाते हैं वो मंगूस के बालों से नहीं, नॉर्मल जो आर्टिफिशियल मार्केट में अवेलेबल होते हैं पेंट ब्रश उनका यूज़ है वो किया जाए, क्योंकि इसके जो हेयर है उनकी काफ़ी ज़्यादा स्मगलिंग है वो ऑल ओवर वर्ल्ड में होती है इंडिया से। देखो वैसे मंगूस की हैं वो 6 प्रजाति हैं वो इंडिया में पाई जाती हैं, कौन कौन सी हैं ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ ये इंपॉर्टेंट है कि ऑपरेशन जो क्लीन आर्ट है वो किसके द्वारा चलाया गया है। ऑपरेशन क्लीन आर्ट है वो चलाया गया है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा। किस लिए? जैसा मैंने आपको बताया था कि मंगूस हेयर ब्रश हैं इनको क्लोज कर दिया जाए पूरे मार्केट में और जो नॉर्मल ब्रश आते हैं उनको यूज है वो किया जाए और इसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के जो शेड्यूल 2 है पार्ट 2 है उसमें प्रोटेक्शन दी गई है। तो ये ध्यान रखना कौन से आर्टिकल में आता है शेड्यूल वगैरह। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल वो है इंडिया जापान 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग। देखो एक चीज़ ये ध्यान रखनी है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कि इंडिया और जापान के बीच में जो मिनिस्ट्रियल डायलॉग है इसमें कौन कौन शामिल होंगे। एक तो फॉरेन और एक जो डिफेंस मिनिस्टर है ना वो इसमें शामिल होने वाले हैं, ये चीज़ क्लियर रखना।
फॉरेन और डिफेंस मिनिस्टर के बीच में आपस में सब आप कोलेब्रेशन है या डायलॉग है वो सक्सेसफुल सबमिट अभी किया जाएगा। कब आयोजित होगा इस डायलॉग का? देखो, इस डायलॉग को आयोजित किया जाएगा अभी दिसंबर में इंडिया और जापान के बीच में एक समिट होने वाला है, उस समिट के बाद में इसको सक्सेसफुली अंजाम है वो दिया जाएगा। सेकेंड फैक्ट आपको ये ध्यान रखना है कि 2+2 जो मिनिस्टर डायलॉग है वो इंडिया और जापान के अलावा इंडिया है वो USA के साथ भी करता है। मतलब 2+2 मिनिस्टर डायलॉग इंडिया 2 कंट्रीज के साथ करता है, एक तो जापान और एक USA। जापान के साथ देखो ये डायलॉग है ना वो 2010 में स्टार्ट हुआ था वैसे, और इसका भी आप ये बोल सकते हो कि थोड़ा एडवांस फॉर्म है, उसका वर्जन अभी लॉन्च है वो यहाँ पे किया जा रहा है। तो शुरुआत इसकी 2010 में ही हो गई थी, पहला राउंड आप ये बोल सकते हो। अब इसका जो नेक्स्ट राउंड है वो इस साल दिसंबर में आयोजित है वो किया जाएगा। फोकस किस बात पे रहेगा? देखो, डिस्कस इस चीज़ पे की जाएगी कि डिफेंस और सिक्योरिटी एरिया में जो इश्यूज हैं, म्यूचुअल जो इंटरेस्ट है वहाँ पे आपस में कोऑपरेशन है, सपोर्ट है, वो किया जाए। इसी के साथ देखो, जापान है वो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट भी कर रहा है। आपको पता होगा जो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, DCIM, उसमें भी जापान है वो काफ़ी बड़ा इन्वेस्टर है वो है। इसी के साथ ही जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है वहाँ पर भी जापान ने काफ़ी अच्छा इन्वेस्ट है वो किया है इंडिया में, और काफ़ी टेक्नोलॉजी है वो भी प्रोवाइड करा रहा है। तो इंडिया और जापान के रिलेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो हो जाते हैं। देखो, यही थी आज की न्यूज़, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट और न्यूज़ है वो आज आई नहीं थी। अब एक बार हम रिवाइज़ करते हैं। सबसे पहले हमने गदर पार्टी के बारे में जाना कि 1913 में सोहन सिंह के द्वारा इस पार्टी की स्थापना की गई थी USA में। इसके बाद में हमने चागोस जो आर्किपेलागो आइलैंड्स हैं इनके बारे में जाना, क्या इश्यूज़ है उनको हमने कवर किया। फिर हमने यहाँ पे नाटो के बारे में जाना कि नाटो क्या है, नाटो का क्या मोटो है वो रखा गया है। इसी के साथ हमने जो इंडिया में कोल्ड वेव रीजन्स हैं इनके बारे में डिस्कस किया कि कौन कौन से एरिया में कोल्ड वेव रीजन है वो शामिल होते हैं इंडिया के। फिर हमने मंगूस के बारे में जाना कि मंगूस क्या है, इसको एक एक अभियान चलाया है गवर्नमेंट का जिसका नाम है ऑपरेशन क्लीन आर्ट। लास्ट में हमने डिस्कस किया इंडिया और जापान के बीच में 2+2 जो मिनिस्टर डायलॉग है वो भी दिसंबर में सक्सेसफुली आयोजित है वो किया जाएगा। तो फिलहाल के डिस्कशन में इतना ही है, तो थैंक यू मच फॉर डिस्कशन।